पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत जसूर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज शिक्षा एवं खंड योजना अधिकारी देशराज ने की। जागरूकता रैली जसूर में निकाली गई और रैली के माध्यम से लोगों को पॉलिथीन हटाओ और पर्यावरण बचाओ के बारे में जागरूक किया गया। देशराज द्वारा रैली में उपस्थित लोगों को स्वच्छता के लिए शपथ भी दिलवाई गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार पर्यावरण के प्रति काफी चिंतित है। हमारे देश व प्रदेश के लिए पॉलिथीन का काफी प्रयोग किया जाता है। ये पॉलिथीन देश और प्रदेश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, साथ ही पर्यावरण के अलावा विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए भी ये घातक है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर कोई दुकानदार या दूसरा लोग इसका उपयोग धड़ल्ले से कर रहा था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पॉलिथीन सड़ता नहीं है, जिस कारण स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कम से कम पॉलिथीन का प्रयोग करें ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। सोलन में नगर परिषद शहर को डस्टबिन फ्री बनाने की घोषणा कर चुकी है और वह शहर के कई वार्डों से कूड़ादान हटा चुकी है, लेकिन ये योजना खास तौर पर दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो कूड़ा पहले कूड़ेदानों में होता था अब वे सड़कों पर आ चुका है। शहर में फैला ये कूड़ा जहां एक ओर शहर की सुंदरता पर ग्रहण लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर वे गर्मियों के समय में बीमारियों को न्योता भी दे रहा है, जिसके चलते शहरवासी बेहद चिंतित हैं और उन्होंने नगर परिषद से व्यवस्था सुधारने की अपील भी की है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नगर परिषद ने डस्टबिन इसलिए उठाए थे ताकि कर्मचारी कूड़ा डोर टू डोर एकत्रित कर सकेंगे और किसी को भी कूड़ा गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि नगर परिषद ने डस्टबिन तो उठा लिया है लेकिन कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासी कूड़ा सड़कों पर गिरने को मजबूर हो चुके हैं, जिसके चलते शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं और बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। इसलिए उन्होंने गुहार लगाई है कि वे व्यवस्था को दुरुस्त करें ताकि शहर की छवि सुंदर हो और शहरवासी स्वस्थ रह पाएं। सोलन के रामलोक मंदिर में जल्द ही नागलोक की स्थापना की जाएगी, ये जानकारी रामलोक मंदिर के बाबा अमरदेव ने दी। उन्होंने बताया कि रामलोक मंदिर उत्तरी भारत का पहला नागलोक होगा, जहां पर ये सभी के दुखों को दूर करेगा और सुख समृद्धि लाएगा। आपको बता दें कि इस नागलोक की ये खासियत होगी कि 5 फुट ऊंची नाग माता की मूर्ति स्थापना होगी और नागराज की ऊंची मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। बाबा अमरदेव ने बताया कि रामलोक में भगवान शिव के आशीर्वाद से गौतम ऋषि को खुश कर नागलोक के सत्यापन की अनुमति ले नागलोक की स्थापना मात्र से हिमाचल आपदाओं से बचा रहेगा, वहीं धन धान्य की हिमाचल में कमी नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि जिन लोगों को काल सर्प दोष है वो यहां आकर उस दोष को कम कर सकते हैं। सोलन में आज से जिनाडू यूथ कार्निवल का आयोजन होगा, ये जानकारी जिनाडू पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। यूथ कार्निवल का मुख्य उद्देश्य सोलन में पर्यटन को बढ़ावा देना और यहाँ के टैलेंट को मंच प्रदान करना है। ये कार्निवल 2 दिनों तक चलेगा और इसमें पड़ोसी राज्यों के युवा भी भाग लेंगे। कार्निवल में युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं और रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं सर्पीली पगडंडियों पर साइकिल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए जिनाडू यूथ कार्निवल के संयोजक अभय ने बताया कि उनका कार्निवल 2 दिनों तक चलेगा।
जहां एक और रैप बैटल का आयोजन होगा, वहीं सुप्रसिद्ध गायक भी इस कार्निवाल में लोगों का मनोरंजन करेंगे। वहीं रविवार को फन बाइक रैली और साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये आयोजन नदी के किनारे किया जाएगा और विशेषता ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह का प्रदूषण न फैले और न ही वातावरण दूषित हो। सोलन में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों के आंदोलन का असर दिखने लगा है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने उच्च अधिकारी अब अपने कार्यालयों से बाहर निकलने पर मजबूर हैं और अब वे परिजनों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि उन पर किसी भी तरह की जाति नहीं होने दी जाएगी। वहीं उन्होंने स्कूलों के प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अपनी कार्यप्रणाली ठीक करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन योगेंद्र ने बताया कि उन्हें उच्च अधिकारियों से निर्देश मिले हैं कि 22 अप्रैल से पहले जिला के सभी निजी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए और उनसे फीस संबंधित रिकॉर्ड चेक किया जाए। अगर किसी भी तरह से कोई अनियमितता पाई जाती है तो उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने दो स्कूलों में दबिश दी थी, लेकिन जहां से उन्हें कुछ जानकारी हासिल हुई है, लेकिन प्रिंसिपल ना होने की वजह से पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई। इसलिए स्कूल प्रशासन को ये आदेश दिए गए हैं कि वो हर हालत में सारा रिकॉर्ड निश्चित तौर पर विभाग उन पर कार्यवाही करेगा, मान्यता तक रद्द हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि दिल गो स्कॉट फ्री, ऐसा नहीं है। अभी एक बार जानकारी तो इकट्ठा कर लें। अभी दो दिन तो हमें निर्देश ये हुआ है कि जो जिला के मुख्यालय हैं उनके प्राइवेट स्कूलों से जानकारी लें। आने वाले दिनों में यानी कि 22 अप्रैल से पहले पहले जिले के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे हम सारी जानकारी ले लेंगे और अपने उच्च अधिकारियों के साथ हम तालमेल बनाए हुए हैं और उनको भी हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे।